जर्नी विद तारा इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, पुणे में ऐसा एक हॉस्पिटल है जहां पे आपका इलाज फ्री में होता है, आपका कोई भी ऑपरेशन हो वो यहां पे मुफ्त में होता है। तो मैं प्रयागदाम चैरिटेबल ट्रस्ट इस हॉस्पिटल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये हॉस्पिटल उरुली कांचन से 6 किलोमीटर के दूरी पे आता है और हड़पसर से 23 किलोमीटर के दूरी पे आता है, और इसका गूगल मैप लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस हॉस्पिटल में आपका कोई भी ऑपरेशन हो, इसमें आपके स्किन का ऑपरेशन हो, हड्डी का ऑपरेशन हो, या आपके आँख का ऑपरेशन हो, या आपके दांत का हो, स्किन में आपके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो या हर्निया का ऑपरेशन हो, ये भी ऑपरेशन यहाँ पे फ्री में होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा कि आपको टोकन कहाँ से लेना है और केस पेपर कहाँ पर लेना है, एक्सरे और सोनोग्राफी कहाँ पर निकालना है, ये प्रोसेस आपको मैं इस वीडियो में पूरी बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखें। ये देखिए, यहाँ पे हड़पसर से बस भी आती है, लेकिन बस यहाँ पे कम आती है, सुबह दोपहर और शाम को बस आती है। कौन से दिन में चेकअप होता है और कौन से दिन में ऑपरेशन होता है यहाँ पे हमें दिखाया गया है। ये बस का टाइम टेबल है, यहाँ पे बस हड़पसर से आती है, और इस हॉस्पिटल में आईसीयू की सुविधा नहीं है। गेट से अंदर आते ही हमें लेफ्ट साइड में सिक्योरिटी की केबिन दिखेगी, वहाँ पे हमें हमारे बीमारी के बारे में बता के उनसे टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेने के बाद हॉस्पिटल में एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में हमें कैश काउंटर मिलेगा, वहाँ पे हमें टोकन जमा करके हमें कैश पेपर मिलेगा, और कैश पेपर के लिए हमें 30 रुपये देने पड़ेंगे। कैश पेपर इस प्रकार का होता है, रविवार को यह हॉस्पिटल बंद रहता है। कैश पेपर लेके हमें ए विंग में जाना पड़ता है। ए विंग के गेट के बाहर सिक्योरिटी रहते हैं, उन्हें ये कैश पेपर दिखा के वो हमें अंदर छोड़ेंगे। अंदर अलग अलग सेक्शन है, यहाँ पे मरहम और पट्टी लगाने का सेक्शन है। तो इस साइड आँखों का सेक्शन है, यहाँ पे इंजेक्शन देने का और बीपी चेक करने का सेक्शन है, यहाँ पे हड्डियों की बीमारी का सेक्शन है, यहाँ पे हड्डियों के डॉक्टर बैठते हैं। ए विंग से बाहर आते ही हमें सामने ई विंग दिखेगी, ई विंग में हमें सब टेस्ट होते, हमारे सब टेस्ट होते हैं। यहाँ पे एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी, ब्लड और यूरिन का टेस्ट यहाँ पे होता है। इस विंग के सामने ही हमें कान, नाक, गसा और दांत का तल मजले में हमें वहाँ पे चेकअप के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, दांतों का चेकअप होता है और यहाँ पे हमारे कान, नाक का चेकअप होता है। फिर ग्राउंड फ्लोर में ऊपर आने के बाद हमें सी विंग दिखेगा, सी विंग में यहाँ पे ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन होने के बाद डी विंग में पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, और पेशेंट के लिए मिलने का टाइम है 4:30 से 5:30 के बीच में। डॉक्टर के पास से सब चेकअप होने के बाद कैश पेपर पे हमें डॉक्टर कुछ दवाया लिख के देते हैं, वो दवाया हमें इस डिस्पेंसरी में मिलते हैं, और यहाँ पे हर सब दवाया मुफ्त में मिलती है, और जो दवाया मुफ्त में नहीं मिलती वो साइड के मेडिकल में यहाँ पे हमें पैसा देके खरीदनी पड़ती है। और जो पेशेंट के साथ आते हैं उनके लिए यहाँ पे वेटिंग रूम दिया है, और यहाँ पे कैंटीन भी है। इस हॉस्पिटल में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। मैं भी इस हॉस्पिटल में मेरी ट्रीटमेंट करा के लेता हूँ। इस हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत ही अच्छा है, वो हमें बहुत मदद करते हैं। तो आपको कोई भी बीमारी हो तो एक बार इस हॉस्पिटल को ज़रूर भेंट दें। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी हो और आपके फायदे की हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।